एक बार फिर हमारी ई क्रॉप डॉक्टर की टीम आज है उस्मानपुर गांव में, जिसमें आज हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के बदलते मिजाज को देखते हुए आज जरूरत है कि हम पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दें। और जब पर्यावरण अनुकूल खेती की बात होती है तो इसमें सबसे पहले बात आती है जैविक खेती की। जैविक खेती के लिए सबसे सस्ता और उपयुक्त खाद है वर्मी कंपोस्ट। इसके प्रयोग से रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता लगभग कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसके उत्पादन की सुलभ और सस्ता तकनीक को, जिससे कि आप कम लागत में आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले जमीन का चुनाव करते हैं। इसके लिए जमीन ऊंची हो और इसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद 3 फीट चौड़ाई और जो लंबाई है उसे जमीन के उपलब्धता के अनुसार रखते हैं और दो दो ईंट से घेरे बनाए जाते हैं। इसके बाद मोटी पॉलिथीन बिछा देते हैं और ऊपर से छत की व्यवस्था करते हैं ताकि धूप और पानी से बचाया जा सके। इस प्लास्टिक के ऊपर केले के तने का छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 2.5 इंच मोटी परत बनाते हुए बिछा देते हैं। इसके बाद 15 से 20 दिन पुराना गोबर और कचरे को 60:40 में मिलाया जाता है। कचरे के रूप में आप फसल अवशेष, घरेलू कचरे, फार्म अवशेष का उपयोग कर सकते हैं। फिर कचरे और गोबर के मिश्रण में पानी डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नमी 40% ही हो। मिलाने के बाद पूरे मिश्रण को और केले के टुकड़े के ऊपर ऐसे डालते हैं कि बीच में ऊंचा और चारों तरफ ढलान हो, यानी ढेर बना दिया जाता है। फिर इस ढेर के ऊपर लगभग 1500 से 1800 केंचुओं को प्रति घन मीटर डाला जाता है और जूट की बोरी को अच्छे से भिगोकर ढक दिया जाता है। फिर समय समय पर इसे उलटते पलटते रहें ताकि नीचे का ढीला परत ऊपर और ऊपर का परत नीचे हो जाए। और इस प्रकार आप देखेंगे 45 से 60 दिनों बाद आपका वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी वर्मी कंपोस्ट को एनरिच वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया जाता है। आपने देखा कि गोबर और उपलब्ध कचरे की मदद से वर्मी कंपोस्ट कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। आप इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, खेती के लिए हर फसल में इसका व्यवहार कर सकते हैं। और समान रूप से जो वर्मी कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाए रखने के लिए और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप इसको संवर्धित या इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी उत्पादन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्टिंग के समय आप जब गोबर और कचरे का मिश्रण बनाते हैं उसी समय प्रति क्विंटल गोबर और कचरे के मिश्रण में 100 ग्राम जैविक उर्वरक जैसे PSB और सीडोमोनास या एजोटोबैक्टर या फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आप संवर्धित वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। इससे आपके वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की प्रतिशत या मात्रा जो है बढ़ जाएगी और वो आपकी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वर्मी कंपोस्ट से निकलने वाला वर्मी वॉश भी काफ़ी कारगर है। यह जैविक रूप से कीट और रोग नियंत्रक का कार्य करता है, अतः इस प्रकार इसे संग्रह करने के लिए मिट्टी का एक बर्तन लगाते हैं। आप 1 लीटर वर्मी वॉश को 1 लीटर गौमूत्र के साथ मिला करके उसमें 8 लीटर सादा पानी मिलाएं, स्वच्छ पानी मिलाएं और इस तरह से उसका वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। अब इस 10 लीटर वॉल्यूम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप छिड़काव के रूप में, और छिड़काव के लिए इस मिश्रण का आप 10 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप किसी भी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके फसल पर कीट और रोग का भी प्रभाव कम हो जाएगा और उसको पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे। तो इस तरह से वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट आपकी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसको अपनाकर आप जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।